सलमकुम मैं जब कॉलेज में गई सब मुझे घेर लेते थे फिर भी मैं अंदर गई उसके मैं सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गई थी वो मुझे अंदर भी नहीं छोड़ रहे थे ऐसे घेर के बोल रहे थे कि तू बुरख़ा काट फिर वापस अंदर जा या तो तू बुरखे के साथ कॉलेज नहीं जाएगी या तुझे बुरख़े में रहना है तो वापस घर चली जा तो मैं अंदर गई फिर जब मैं गाड़ी खड़ा के आ रही थी सब ने मुझे अटैक करने की कोशिश की ऐसे नारा लगा रहे थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके और मैंने भी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा नहीं ये आपको किस तरह आया जहन में अल्लाहू अकबर ही बुकारूं। ऐसा मतलब क्या था क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ा बहुत जब मैं डरती हूँ मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ तो अल्लाह का नाम ले अल्लाह से शुरुआत किया ओके okay, एक सवाल आता है जैसे कि आप स्टूडेंट हैं क्या हम जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या यही वो दिन थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिस तरह हमारे वजीर आजम ने कहा था एक हिजाब जो है एक प्रायोरिटी है लड़की का उसको काड़ना ये करना सब नहीं बोलना हमें पढ़ने आते हैं इवन मेरा प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा था कि हिजाब काड़ो ऐसे कुछ वो बोला जैसे आय तुम आते हो वैसे आओ लेकिन ये जो थोड़े आउटसाइडर्स थे और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो वो मेरे क्लासमेट्स भी थे थोड़े उधर खड़के चिल्ला रहे थे कि बुरखा काढ़ो और जय श्री राम जय श्री राम करके चिल्ला रहे थे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जस्ट एक पीस ऑफ क्लोथ के लिए वो इतना क्रिएट कर रहे हैं वो सब नहीं करना चाहिए आपकी कॉलेज का एक ये रहा है कि पिछले साठ साल से या उससे पहले से भी जो है इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ था अचानक इस तरह का माहौल पैदा होने से हमारे आने वाली नस्ल खासकर जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनके जो है उन पर क्या असर पड़ेगा मैं जब गई मैं जाने से पहले चार लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव किया गया था वो लोग रो के रूम में बैठे थे रो के बैठे थे मैं तो डरी नहीं मैं अल्लाह अकबर बोली लेकिन वो सब रो रहे थे और बहुत सारे कॉलेज में ये सब चल रहा है तकलीफ दे रहे हैं नहीं करना चाहिए सब सब देखिए हमें बहुत फख्र है कि उम्मत मुसलिमा की एक बेटी जो कल से पूरे आलम में सारे के सारे आलम में जो है छाई हुई है बस एक नारा था कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है हम बाकायदा ये जानना चाहते थे क्या ये इनका जज्बा है मगर नहीं हम देखे कि सुबह ताजुद की नमाज के बाद फजर की नमाज के बाद जो है हम इनसे मुलाकात किए माशाला बहुत पाबंद और बहुत ही मुतकी लड़की हैं जो अल्लाह रबुलिस ने आज इनको इतनी इज्जत दी है देखिए आने वाले दिनों में हमको क्या करना चाहिए खासकर स्टूडेंट्स को हमें डरना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं डरना वो प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए वो उनका कल्चर फॉलो करते हैं हमें हमारा कल्चर फॉलो करना है उनके लिए हमें हिजाब करने की कोई जरूरत नहीं है हम ऐसे ही होते हैं हम हम इस्लाम में पैदा हुए हैं हम हिजाब का ही फॉलो करते हैं वो भी उनका कल्चर है वो वो फॉलो करेंगे हम हमारा फॉलो करना है जी सर मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हालात से हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सारी जगहों पर मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट मैं बोलूंगी कि मतलब कल्चर उनको फॉलो करने के लिए देना है हिंदुस्तान को सेक्यूलर मुल्क कहा गया हाँ, इसलिए सेक्युलर मुल्क कहा गया और यूनिटी कहा उनका रिलीजन को एक फ्रीडम है वो वो जैसे भी चाहे वो रह सकते हैं